जम्मू कश्मीर में कोरोना की तीसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। 7 महीनों के बाद आज जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 600 से पार गया है। आज यानी शनिवार को जम्मू कश्मीर में कोरोना के 655 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 392 मामले जम्मू संभाग और 263 मामले कश्मीर संभाग से हैं। बता दें कि इससे पहले 18 जून 2021 को जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले 600 से पार गए थे और आज लगभग 7 महीने बाद ये आंकड़े फिर दोहराए गए हैं। अगर बात करें जिला स्तर पर तो पूरे जम्मू कश्मीर में आज जिस जिले में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं वो है जिला जम्मू। जिला जम्मू से 263 कोरोना के मामले सामने आए हैं। 263 वही आंकड़ा है जो आज पूरे कश्मीर संभाग से सामने आया है। कितनी चिंताजनक बात है कि जितने मामले आज पूरे कश्मीर संभाग से सामने आए हैं, उतने ही मामले सिर्फ जिला जम्मू से भी सामने आए हैं। ये आंकड़े इस बात को साफ दर्शाते हैं कि जिला जम्मू में कोरोना की तीसरी लहर किस तेजी से अपने पैर पसार रही है। बता दें कि जम्मू में कोरोना संक्रमित आने वाले लोगों में से एक वरिष्ठ IAS अधिकारी, MBBS हॉस्टल की 2 छात्राएं, 11 पुलिस कर्मी और 4 पैरामेडिकल कर्मी भी शामिल हैं। इसके साथ ही जम्मू के वेव मॉल में से भी 10 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही बता दें कि पिछले 3 दिनों में जिला जम्मू में 13 इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। जम्मू में कोरोना की स्थिति दिन ब दिन बेहद खराब होती जा रही है। सामने आ रहे ये आंकड़े ये सवाल खड़ा करते हैं कि कोरोना की पहली 2 लहरों से जम्मू वासियों ने आखिर क्या सीखा। हमारा जम्मू कश्मीर वासियों से यही निवेदन है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। ये बात याद रखें कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और हमें कोरोना की तीसरी लहर को फैलने से रोकना है।